सो गैर यहाँ पे जितने लोग सिंपल पे लेटर अपलीकेशन का यूज़ करते हैं उनको पता होगा जितने भी लोग न्यू अकाउंट बनाते हैं वहाँ पे फोन रिचार्ज का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता यानी कि फोन रिचार्ज का ऑप्शन तो मिलता है बट फोन रिचार्ज आप जैसे ही करने जाते हो सिंपल पे लेटर यहाँ पर आपको जो फोन रिचार्ज को यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर देता है यानी कि अगर आप फोन रिचार्ज पे क्लिक भी कर देते हो अगर आप प्लान भी सेलेक्ट कर लेते हो तो फिर यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं आपको जो रिचार्ज है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पे जो सिंपल पे लेटर है वहाँ पे पॉज कर देता है आपका ट्रांजेक्शन वो इसलिए क्योंकि उनको भरोसा नहीं होता कि आप रीपे करोगे कि नहीं तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप न्यू अकाउंट में यानी कि एकदम न्यू फ्रेश अकाउंट के अंदर आप अपना जो सिंपल पे लेटर अकाउंट है उसमें रिचार्ज कर सकते हो अपने फोन को तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना सब कुछ बताऊंगा उसके पहले जितने लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो so गाइस जैसे अपने फोन पे आप सिंपल पे लेटर अपलिकेश इंस्टॉल कर लेते हो आप सिंपली लॉग इन कर लेना इसको अपने जो भी न्यू नंबर से ठीक है तो जो भी न्यू नंबर है आपको इसमें लॉग इन कर लेनी है कोई भी यहाँ पे आधार कार्ड पैन कार्ड की जरूरत नहीं है तो जैसे इसके अंदर आप लॉगिन कर लेते हो काफ़ी लोग लॉगिन ऑलरेडी होंगे जो न्यू यूजर्स हैं उनको बता रहा हूँ लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ पहले मैं कौन से पेमेंट्स पेंडिंग है यहाँ पर तो देखो मैंने सिंपली सबसे पहला ट्रांजेक्शन इस एप्लीकेशन के अंदर मैंने किया है वो है वन फिफ्टी फाइव का जियो का रिचार्ज जो है वैल्यू पैक आपको पता होगा वैल्यू पैक क्या होता है जियो के अंदर जियो के सिम जो भी यूज़ करते हैं उनको पता होगा जियो के अंदर यहाँ पे वन फिफ्टी फाइव का रिचार्ज आता है जो वैल्यू पैक है और यहाँ पर देख सकते हो मैंने सेप्टेम्बर ट्वेंटी को रिचार्ज किया था वन का और इसका जो बिल जनरेट हुआ वो है थर्टी सेप्टेम्बर को यानी कि एग्जैक्टली exactly नौ दिन बाद इसका बिल जनरेट हो गया और उसके बाद आप पे कर सकते हो भाई पंद्रह दिनों के अंदर यानी कि कोई भी आप रिचार्ज यहाँ पे कंप्लीट करते हो तो उसको यहाँ पे टाइम दिया जाता है पंद्रह दिन के अंदर आप इसको कंप्लीट कर सकते हो तो देख लो यहाँ पे ट्रांजैक्शन में भी यहाँ पे एक ही ट्रांजैक्शन किया है क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन है और काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई रिचार्ज नहीं हो पा रहा तो मैंने यहाँ पर रिचार्ज तो कर लिया कैसे भी तो चलिए बताता हूँ आप कैसे कर सकते हो तो सबसे पहले पूरा प्रूफ आप खुद देख लो मैंने एक हज़ार पाँच सौ की लिमिट मिली थी उनमें से मैंने यहाँ पे वन फिफ्टी फाइव का रिचार्ज यहाँ पे कर लिया अपने फ़ोन के अंदर और यहाँ पे कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रही आराम से एकदम रिचार्ज आपका हो जाएगा तो यहाँ पे चलिए हम शुरू करते हैं अभी कैसे आप रिचार्ज कर सकते हो क्योंकि काफ़ी लोगों को ज़रूरत है इस एप्लीकेशन तो अभी आपको सिंपली यहाँ पे करना क्या है मैं बताता हूँ यहाँ पे सिंपली आपको इसको क्लोज़ कर देनी है फिर यहाँ पे आपको माई जियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है अब माई जियो एप्लीकेशन काफ़ी लोगों फ़ोन में होगा और जियो के साथ भी काम करता है एयरटेल के साथ भी काम करता है वी का मैंने ट्राई नहीं किया तो आप आपको ट्राई करके कर देख सकते हो तो जो भी आप पेमेंट एप्लीकेशन यूज़ करते हो जैसे कि एयरटेल का जियो का या फिर वी का कोई भी आप यूज़ कर लो जिसका भी सिम हो आपके पास तो यहाँ पर सबसे पहले प्रूफ देख लो मेरा वन का रिचार्ज यहाँ पर चल रहा है ऑलरेडी और यहाँ पर मैं फिर से आपको रिचार्ज पे क्लिक करके दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे करना है पूरा प्रोसेस जैसे ही यहाँ पर रिचार्ज पर आप क्लिक कर देते हो यहाँ पर देख लो वन का रिचार्ज यहाँ पर शो कर रहा है जो लास्ट प्लान है जो मैंने किया था सिंपल पे लेटर के तो मदद से यहाँ पे जैसे इस पर ऊपर आप क्लिक कर दोगे आपको एक नेक्स्ट पेमेंट पेज पे लेके चले जाएगा तभी आपको यहाँ पे वेट करना है यहाँ पे जो भी आप लोग वेट कर लेना वेट करने के बाद यहाँ पे सिंपली यहाँ पे देख लो यू का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर ऊपर देखो ऊपर कैश भी है तो उसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो कौन सा प्लान आप रिचार्ज करोगे सिंपल पे लेटर से आपको कैशबैक मिल सकता है अभी सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए मैं बता रहा हूँ ये आपकी मर्जी है कैशबैक चाहिए कि नहीं तो आप देख लेना कैशबैक अगर आप चाहिए तो बट मैं आपको रिचार्ज कैसे करना वो मैं बताता हूँ पहले वरना आप बोर हो जाओगे तो सिंपली यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना यहाँ पर नीचे आपको पूरा नीचे स्टोर कर लेना पूरा मतलब पूरा ही नीचे पूरा नीचे आपको सारे जो ऑप्शन है देखो यहाँ पर मिल जाएंगे जहाँ पर आपको दिख रहा है वॉलेट्स नेट बैंकिंग है यहाँ पर लास्ट में पे लेटर का ऑप्शन मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको दो ऑप्शन आएंगे पे टी पोस्ट पेड और सिंपल पे लेटर का तो अभी दोस्तों मैंने यहाँ पे सिंपल पे लेटर यहाँ पे लिंक कर रही ऑलरेडी इसलिए वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा लेकिन अगर आप सिंपल पे लेटर को यहाँ पे पहले लिंक नहीं करते हो तो यहाँ पे आपको सिंपली जो सिंपल लिखा है उसके बगल में आपको लिंक अकाउंट आएगा तो आप आपको सिंपली लिंक पे क्लिक कर देना है अब जैसे ही लिंक पे क्लिक कर दोगे यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा एक वेबसाइट की तरह वहाँ पे आपका फोन नंबर मांगेगा फोन नंबर आप जैसे ही एंटर कर दोगे आपको यहाँ पे एक ओ मांगेगा तो ओ जैसे आप एंटर करते हो आपका जो पेमेंट है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका रिचार्ज जो सक्सेसफुल हो जाएगा एक ओ की मदद से उसके बाद से देख लो यहाँ पे मेरा तो लिंक हो गया तो यहाँ पे बैलेंस शो कर रहा है मैं प्रूफ के लिए दिखा भी दूंगा अभी सो so गाइज यहाँ पे अभी आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे आपका जो रिचार्ज है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और यहाँ पे सिंपल एप्लीकेशन की तरफ से आपको मैसेज आ जाएगा थैंक यू फॉर यूजिंग सिंपल पे लेटर और यहाँ पे आपका जो भी बिल है वो दो तीन दिन में जनरेट होकर आ जाएगा तो आप अगर आपके पास पैसे हैं तो दो तीन दिन में आप पे कर सकते हो तो यहाँ पे आपको इसको मिस यूज़ बिल्कुल मत करना है यहाँ पे देखो पहले ही बता देता तो, हूँ मिस यूज़ करने के लिए एप्लीकेशन नहीं बना जिनको एमरजेंसी में फ़ोन रिचार्ज करना है उनके लिए एप्लीकेशन बना है तो देख लो मेरा यहाँ पर लिमिट वन थाउजेंड का है यानी कि वन मैंने यूज़ किया था तो देख लो सेम यहीं पर भी शो कर रहा है तो ये अकाउंट है ना मेरा लिंक हो चुका है इसके साथ अगर आपका लिंक हो जाएगा आपका भी लिंक जैसे आप रिचार्ज करोगे तो लिंक करना काफ़ी इजी है इसकी मदद मतलब से आप रिचार्ज जो भी है कर सकते हो और पंद्रह दिन में रीपेमेंट करना भाई ज़रूरी है अब पंद्रह दिन में आप रीपेमेंट नहीं करते हो तो आपको यहाँ पर फ़ाइन भी लग सकती है तो पंद्रह दिनों के अंदर हो सके जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पर पे पेमेंट कर देना और इसको पेमेंट कैसे करना वो भी मैं दिखाऊँगा अगली वीडियो में तो वीडियो को यहाँ पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना तो गाइस आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना तो फिर मिलते हैं कॉर्नर वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत